हिंदू नववर्ष का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केके स्टेडियम से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा आज 3 बजे केके स्टेडियम से टावर चौक होते हुए बैजनाथ धाम स्टेशन होते हुए वीआईपी चौक की तरफ से वापस टावर चौक होते हुए केके स्टेडियम में समारोह का समापन हुआ। इस रैली में हजारों दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन, साथ ही साथ रंगारंग झांकी भी निकाली गई, जिसमें घोड़ा पर सवार, बैंड बाजा, गीत संगीत, साथ ही साथ भगवा रंग का झंडा दिखाया गया। इसके अलावा गणेश जी की, श्री राम जी की झांकी, भारत माता की झांकी भी निकाली गई। यही झांकी को देखने के लिए हजारों घर से लोग बाहर निकल कर आए और झांकी का, रैली का पूरा आनंद लिया। इस रैली में देवघर जिला बीजेपी के अध्यक्ष कन्हैया झा, ओबीसी जिला अध्यक्ष विनय चंद्रवंशी, बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप सिंह, ढेर सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। वर्ष का जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, आज के दिन जो है संपूर्ण भारत जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2080 धूमधाम से और महाशिवरात्रि माता रानी का आगमन आज के दिन ही होता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में हिंदू नववर्ष, आप यहाँ तक कह सकते हैं कि पूरे विश्व में भी इस वर्ष को बनाने के लिए लोग तरह तरह ढंग से बनाते हैं। और आज पूरा देवघर भगवामय है और हिंदू नववर्ष मना रहा है और महानवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं संपूर्ण देवघर वासियों को, झारखंड वासियों को, भारत वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना भी देता हूँ। राजीव कुमार सिंह बबलू, क्षत्रिय विकास मंच, धन्यवाद। आज जो हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में बताइएगा। आज हमारा चैत्र मास शुरू होता है, हिंदू नववर्ष आज से ही स्टार्ट होता है। कैलेंडर के हिसाब से हम लोग भले ही 1 तारीख से मनाते हैं, क्योंकि उसका कैलेंडर चेंज होता है। आज पूरे देशवासियों से और पूरे देवघर वासियों से यही अपील है कि हिंदू नववर्ष है, सब लोग मनाएं, खासकर महिलाएं घर में इसको त्यौहार की तरह मनाएं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि ये न्यू वर्ष है, हम लोग को आज के दिन चैत्र नववर्ष मनाना है। आज से माँ भगवती की पूजा भी होती है, सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिचय मैम? वार्ड पार्षद शैलजा देवी, वार्ड नंबर 18। कार्यक्रम का आयोजन श्री कन्हैया झा अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित है, जिसमें सभी वर्गों का अपार सहयोग मिल रहा है और धूमधाम से हिंदू नववर्ष मनाने का कार्य लोग कर रहे हैं और प्रति वर्ष करते रहेंगे। Yeah.